अब बात करते हैं हम लोग स्पीड की। स्पीड को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग एक कहानी से चलते हैं। बचपन में जब मैं क्रिकेट देखता था तो वहां पे जो है बाकी सारी चीजें तो समझ में नहीं आता था क्रिकेट की, लेकिन हाँ कहीं कहीं कुछ चीजें जो है वो समझ में आता था। और वो चीजें क्या होती थी वो अब समझ में आता है, पहले उस समय भी जो है वो समझ में नहीं आता था। आप लोग भी जो अभी तक समझ में नहीं आता होगा, तो अब यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं स्पीड की। तो उस समय मैं क्या देखता था कि कभी कभी ऐसा दी जो है वो दिखाते रहते थे कि इरफान पठान जो थे ये जो है इंडिया में अभी तक जो है आप देखोगे जो सबसे फास्टेस्ट बॉलिंग जो है इन्होंने की है, और वो है 153 किलोमीटर जो है वो पर आवर के, 53 या 57 ऐसा की जो है पर आवर जो क्या स्पीड से जो इन्होंने बॉलिंग की है। अब इतना तो समझ में आता है 153। तो बचपन में मैं सोचता था कि इरफान पठान जो है एक बॉल अगर फेंकता है तो 153 किलोमीटर जो है वो जाएगा, है ना, पर वो बॉल तो जाता ही नहीं है। वो बॉल तो ज्यादा ज्यादा बाउंड्री तक जाता है और उसके बाद जो है थोड़ा सा और आगे जाएगा, तो 153 किलोमीटर कैसे जाएगा। तो उस समय ये भी नहीं पता था कि बहुत सारे फोर्स होते हैं जो कि इस पे काम करते रहते हैं, जिससे बॉल की गति जो है कमजोर होती रहती है। इसके अलावा ये भी नहीं पता था कि आखिर इसको नापते कैसे हैं, कैसे कि 153 किलोमीटर कैसे चल जाएगा। सबसे पहले दिमाग में यही क्वेश्चन आता कि 153 किलोमीटर चल जाएगा कैसे, है ना। कह रहे थे कि स्लो बॉल आ रहे हैं उनका, तो 126 127 किलोमीटर, 127 किलोमीटर चल जाएगा। और 127 किलोमीटर तो आप समझ सकते हो ना कि कितना ज्यादा जो है वो होता है। तो अब जब यहां पे कंसेप्ट आता है तो यहां पे क्या होता है कि एक यूनिट टाइम में हम उस चीज को नाप लेते हैं। अब यूनिट टाइम में कैसे नापते हैं, यानी कि ये बॉल जो है 1 सेकेंड में कितनी दूरी गई, उस हिसाब से हम डिस्टेंस लगा लेते कि हाँ कि ये 1 घंटे में इतना दूर जाएगा, गई नहीं जाएगा, यही नापते हैं। और ये जाएगा भी, अगर कुछ नहीं लगेगा इसमें तो ये जाएगा भी, 1 घंटे में उतनी स्पीड से जो है ट्रेवल करते रहेगा। जैसे अगर अगला चैप्टर फोर्स है, जब हम फोर्स पढ़ेंगे तो देखेंगे कि अगर इरफान पठान मान लो कि बॉलिंग कर रहे हैं, कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, ना ग्रेविटी लग रहा है, ना फ्रिक्शन लग रहा है, ना ही कोई जो है वो एयर से फोर्स लग रहा है, तो क्या करेगा, गेंद जो है वो 153 किलोमीटर की स्पीड से जो भागते रहेगा। कब तक, जब तक भगा लो तब तक भागते रहेगा, स्पेस में छोड़ दो तो क्या होगा, इतने की स्पीड से जो भागते रहेगा हमेशा के लिए, रुकेगा ही नहीं। क्योंकि एक फोर्स को तभी रोका जा सकता है किसी भी मूविंग चीज को, जब उस पर फोर्स लगाया जाए। जब तक उस पर फोर्स नहीं लगाया जाएगा उतना ही स्पीड से, तब तक जो है इसको रोका नहीं जाएगा, यानी कि ये जो है मूव करते रहेगा। ये अभी समझ में आता है, लेकिन उस समय नहीं आता था। तब यहां पे कहने का मतलब है कि अब क्या करते हैं कि अब हम तो 1 किलोमीटर तक से छोड़ के देखते नहीं है, कि हम चलो 1 घंटे में देख लेते हैं कि कितना दूर जाएगा फिर नापते हैं। ऐसा ही जो है पहले मैं सोचता था बचपन में कि ऐसा नापा होगा कि चलो 1 किलोमीटर छोड़ देते हैं या फिर 1 घंटे तक छोड़ देते हैं, 1 घंटे तक जितना दूर में जाएगा उतना दूर क्या होगा, उतना दूर जो है ये चलेगा, यानी कि बॉल फेंक दिया और फिर 1 घंटे तक वेट करें कितना दूर गया फिर नाप के आएंगे। लेकिन ऐसे नहीं होता है। ऐसे क्या होता है कि अब क्या करते हैं कि किसी भी चीज को अगर कोई भी मोशन जो है हो रहा है, अगर हम उस मोशन को 1 सेकेंड के लिए नाप लें तो हमें पता चल जाएगा कि 1 घंटे में कितना दूर जाएगा, 10 घंटे में कितना दूर जाएगा, 24 घंटे में कितना दूर जाएगा, और कितना दूर जो है वो ट्रेवल करते रहेगा। और इसी स्पीड से हम लोग हर चीज का स्पीड जो निकालते रहते हैं, चाहे वो लाइट का स्पीड निकाले, चाहे अर्थ का स्पीड निकाल रहे हैं, चाहे सन का निकाल रहे हैं, चाहे किसी भी चीज का निकाल रहे हैं, हमें इसी मेथड से पता चलता है कि कैसे जो है वो कोई भी चीज किस स्पीड से मूव कर रहा है। ये कैसे पता चलता है, तो अब स्पीड में हम यही देखेंगे कि आखिर स्पीड जो है वो होता क्या है, निकालते कैसे हैं। तो अब जो मोशन हो रहा है, जब हमने हर समय मोशन देखा, चाहे वो यूनिफॉर्म मोशन हो रहा हो या नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो रहा हो, यानी कि मोशन जो भी जिस भी टाइप का मोशन हो रहा हो, चाहे ऑक्सीलेटरी मोशन हो रहा हो, ऑक्सीलेटरी मोशन का होता है जैसे मैंने बताया ना कि जो एलिमेंट होते हैं, जैसे मान लो ये जो है एक न्यूक्लियर है, न्यूक्लियस है, इसमें जो अब न्यूट्रॉन है वो क्या करते रहते हैं, ऐसे जो है घूमते रहते हैं। और जैसे इसको देखोगे तो कुछ ऐसे 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 जो है न्यूट्रॉन घूमते रहते हैं अपने केंद्र के आसपास। वो आगे केमिस्ट्री में आप जो है पढ़ोगे और वो भी आपको देखने को मिलेगा कि जो न्यूट्रॉन है वो ऐसे ऐसे अपने केंद्र के आसपास घूमते रहते हैं। तो वो क्या है, एक ऑक्सीलेटरी मोशन जो है वो हो रहा है, यानी कि एक ऑक्सीलेशन में जो है वो सारी चीजें घूम रहे हैं। इसके अलावा जैसे आप घड़ी का जो है वो डंडा देखोगे, पेंडुलम ऐसे ऐसे, तो वो भी पेंडुलम क्या हो रहा है, वो भी पेंडुलम जो है एक ऑक्सीलेटरी मोशन में है,
ऐसे ऐसे चल रहा है। तो अब इस तरह का जो कंसेप्ट है तो आखिर इसकी स्पीड जो होता है वो कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले क्या कहते हैं, कोई भी मोशन हो रहा हो, कोई भी मोशन हो रहा हो, अगर हम उसको पर यूनिट टाइम के हिसाब से नाप लें तो वो क्या होगा, वही होता है स्पीड। यानी कि स्पीड क्या हो गया कि मोशन पर यूनिट टाइम। यानी कि अब स्पीड हमारे पास आ गया कितना, कि स्पीड जो होता है कोई भी मोशन हो रहा हो एक यूनिट टाइम में, जो मोशन हो रहा हो पर यूनिट टाइम में, यानी कि मोशन जो होगा वो पर यूनिट टाइम पे कुछ भी हो रहा हो, कितना भी चेंज कर रहा हो, वही क्या होगा, स्पीड होगा। यानी कि एक यूनिट टाइम में, मान लो एक सेकेंड में एक गाड़ी जो है जितना दूरी तय करता है वो क्या होगा, वो होगा उसका स्पीड। यानी कि अब यहां पे क्या आ गया कंसेप्ट, कि आपको लग रहा है कि मोशन पर यूनिट टाइम, मोशन में क्या कवर कर रहा है वो डिस्टेंस, तो यहां पे क्या हो जाएगा, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। यानी कि अब यहां पे जब कंसेप्ट देखने मिलेगा, अगर मान लो डिस्टेंस को डी से कर रहे हो या एस से डिफरेंशिएट कर रहे हो, और बाई टाइम ये क्या होगा, ये होगा स्पीड, और स्पीड यहां पे क्या होगा, वी। यानी कि अब हमारे पास फॉर्मूला आ गया, जो फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा कि जो स्पीड होता है यानी कि जो वी होता है वो कितना होता है, वो होता है डिस्टेंस बाई टाइम। यानी कि जो स्पीड है, अभी स्पीड हमारे पास आ गया, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। अब जहां पे स्पीड क्या है, वी है, डिस्टेंस क्या है, एस है, और टाइम क्या है, टी है। तो यहां पे अब आपको समझ में आ गया होगा कि अब ये कैसे आया। यानी कि अब हम स्पीड निकालते हैं, चाहे वो बॉल की स्पीड हो, चाहे मैच देख रहे हो उसकी स्पीड हो, चाहे फुटबॉल खेल रहे हो, कहीं भी जो है बॉल लेके घूम रहे हो उसकी स्पीड हो, या साइकिल चला रहे हो उसकी स्पीड हो, या पैदल चल रहे हो उसकी स्पीड हो, लेकिन ये तभी निकलेगा जब आप एक यूनिट टाइम में, यानी कि एक यूनिट टाइम में, चाहे वो एक घंटा हो गया, एक सेकेंड हो गया, दस सेकेंड हो गया, हर चीज से जो है एक यूनिट टाइम निकल सकता है। तो उस टाइम में जितना डिस्टेंस आप ट्रेवल कर रहे हो वही क्या होगा, स्पीड होगा। यानी कि जितना डिस्टेंस आपने ट्रेवल किया उसको अगर जितना टाइम लगाया उसे डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगा, स्पीड आ जाएगा। अब इस फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले से अगर आपको टाइम चाहिए तो टाइम को इधर ले आओ और स्पीड को इधर ले आओ, इससे क्या होगा कि आपको क्या पता चल जाएगा, टाइम पता चल जाएगा। आपको डिस्टेंस चाहिए तो क्या करोगे, डिस्टेंस को ही रहने दो, टाइम को इधर लाके मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा, अगर आपके पास स्पीड है, टाइम है, तो डिस्टेंस निकल जाएगा। यानी अब क्वेश्चन पूछेगा, जैसे मान लो आप क्वेश्चन पूछेगा कि एक ऑब्जेक्ट है जो आपको जो है वो 10 मीटर का जो है डिस्टेंस तय कर रहा है, और वो टाइम जो लगाया वो भी 10 सेकेंड लगाया, तो अब बताओ उसकी स्पीड क्या है। तो अब 10 बाई 10 हो जाएगा, यानी कि 1 मीटर पर सेकेंड। अब यहां पे सबसे पहले बात जो है, हम बात करते हैं यूनिट की, जो कि अभी से लेके आपको 12 तक कहीं भी पढ़ोगे तो वो छोड़ने वाला नहीं है। अब यहाँ पे यूनिट की जो हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले अगर हम यूनिट की बात करते हैं तो यूनिट आपको देखने को मिलेगा, देखो यहाँ पे यूनिट जो है आपको कुछ नहीं करना, सेम यूनिट जो है ऐसा ही रखना है। यानी कि स्पीड जो है हम लोग यहाँ पे भी रख रहे हैं, तो अब डिस्टेंस किसमें किसमें हो सकता है, आप कहोगे सेंटीमीटर में हो सकता है, मीटर में हो सकता है, किलोमीटर में हो सकता है, और टाइम किस किस में हो सकता है, टाइम सेकेंड में हो सकता है, और आपको आवर में हो सकता है। तो अब इसको किसको किसको आपको एक साथ लेना है, अगर आप मीटर लिखोगे और सेंटीमीटर लिखोगे तो उसके साथ सेकेंड लिखोगे। यानी कि अब स्पीड का जब ये यूनिट लिखोगे आप, तो यूनिट में आपको सबसे पहले क्या देना होगा कि यहां पे सेंटीमीटर पर सेकेंड या मीटर पर सेकेंड या इसके अलावा किलोमीटर पर आवर, ये जो होता है क्या होगा इसका यूनिट होगा। क्यों, क्योंकि अगर आप डिस्टेंस किलोमीटर में लोगे तो आपको टाइम आवर में काउंट करना है, अगर आप डिस्टेंस सेंटीमीटर में लोगे तो आपको टाइम जो है वो सेकेंड में लेना है, अगर आप डिस्टेंस मीटर में लोगे तो भी टाइम जो है आपको सेकेंड में लेना है। तो यहां पे हमें क्या मिल गया, स्पीड। अब एक बात और आता है सामने कि अब मान लो कि अब होता है कि जैसे मान लो श्याम है, श्याम जो है वो क्या करता है कि पहला जो है वो 10 मीटर तय करता है 10 सेकेंड में, 10 मीटर जो है वो तय किया 10 सेकेंड में, क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज्यादा था तो ट्रैफिक के चलते श्याम जो है ज्यादा तेज चला नहीं पाया, तो उसने 10 मीटर जो है वो 10 सेकेंड में तय किया। अब अगला जो 10 सेकेंड है उसमें श्याम को ट्रैफिक नहीं मिला, तो श्याम क्या करता है कि 20 मीटर जो है वो ट्रेवल कर गया। अब कहोगे कि यहां पे स्पीड डिस्टेंस जो है वो अलग अलग है,
टाइम इंटरवल सेम है, तब यहां पर स्पीड कैसे निकालेंगे? अलग अलग स्पीड निकाल के जोड़ देंगे या फिर क्या करेंगे? तो अब क्या होता है कि जो स्पीड होता है वो एवरेज होता है। एवरेज कैसे? यानी कि बीच में आपने जितने भी डिस्टेंस हल्का हल्का करके तय किया, हल्का हल्का टाइम जो लगा के तय किया, वो सारे टाइम इकट्ठा आ जाते हैं। और क्या आता है, जो डिस्टेंस तय किया वो सारे डिस्टेंस में जो है क्या होते हैं, इकट्ठा आ जाते हैं। यानी कि अगर श्याम चलता है गाड़ी से चल रहा है, तो पहला जो टाइम लिया उसने T1, वो लिया 10 सेकंड का, लेकिन ट्रैफिक बहुत ज्यादा था तो डिस्टेंस कितना लिया उसने, डिस्टेंस जो T1 था उसका, वो लिया 10 मीटर, यानी कि उसे 10 मीटर ही जो है वो चला। अब ये यूनिट का हमेशा ध्यान रखना है, अगर कोई चीज एक यूनिट डिफरेंट दिया हो, जैसे कि मान लो कहीं पे सेंटीमीटर दिया हो और टाइम जो है आवर में दिया हो, तो आपको वो कन्वर्ट करना पड़ेगा। कन्वर्ट कैसे करेंगे वो भी जो है आपको मैं बताऊंगा। सबसे पहले अब यहां पे बात करते हैं कि ये T1 हो गया, ठीक है, ये एग्जांपल देख रहे हैं हम लोग। इसके बाद आप कह रहे हैं कि जो अगला टाइम इंटरवल आया उसका T2, यानी कि 10 सेकंड का, ट्रैफिक नहीं था, तो श्याम ने क्या किया कि एक्सेलेरेटर पे पांव दबा दिया। एक्सेलेरेशन आगे बढ़ेंगे क्या होता है, तो एक्सेलेरेटर पे पांव दबा दिया और डिस्टेंस जो है वो ट्रेवल कर दिया 20 मीटर का। तो अब यहां पे जो है हमें निकालना है स्पीड, तो अब स्पीड निकालेंगे तो हमें क्या करना है, हमें पता है कि स्पीड क्या होता है, तो स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। और इसके लिए क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे यहाँ पे स्पीड लिखा था, अब हम लिखेंगे स्पीड एवरेज, यानी कि भी एवरेज जो है हम लोग लिख देंगे। अब जो है यहाँ पे क्या है, ये है भी एवरेज, यानी कि हम लोग एवरेज स्पीड जो है वो निकाल रहे हैं। आगे जब पढ़ेंगे वेलोसिटी, वहां भी हम लोग एवरेज वेलोसिटी जो है वो निकालेंगे। तो यहां पर क्या किया कि वी एवरेज जो है वो लिख दिया। अब जब वी एवरेज लिख दिया तो क्या होगा, टोटल डिस्टेंस ऊपर वाला और टोटल टाइम जो है वो नीचे वाला। तो अब टोटल डिस्टेंस कितना है, तो D1 प्लस D2 है, यानी कि D1 प्लस D2 है, और उसके बाद टोटल टाइम कितना है, तो ये है T1 प्लस T2। और यहां पर अगर हम इसको देखेंगे निकालेंगे तो क्या होगा कि ऊपर वाला जब दोनों ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा 30 और टाइम जो हो जाएगा वो हो जाएगा कितना, 20। यानी कि यहां पे जब भी हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 3/2, यानी कि 1.5 क्या है ये मीटर में है, तो मीटर पर सेकेंड। तो ये क्या होगा, इतना जो है वो स्पीड से, यानी कि ऑन एवरेज 1.5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जो है वो ट्रेवल किया है, कितना, 30 जो है वो मीटर। और टोटल टाइम कितना लगाया, टोटल टाइम लगाया है 20 सेकेंड का। तो इस तरह का जो है क्वेश्चन आपको स्पीड से देखने को मिलेगा, लेकिन ये जो है स्पीड से बहुत नॉर्मल सा जो है क्वेश्चन आता है। आगे जब हम पढ़ेंगे, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि तीन जो फॉर्मूला है उसको हम ड्राइव करेंगे, और वो फॉर्मूला जो है वो सबसे यूजफुल फॉर्मूला होगा, और वो एक ऐसा फॉर्मूला होगा जो कि आपको अभी से लेके आगे जब तक जो है ये सारी चीजें पढ़ते रहोगे तब तक जो है वो काम आते रहेगा। तो उस फॉर्मूले को जो हम लोग ड्राइव करेंगे, और यहाँ पे हमने ये देख लिया कि स्पीड क्या होता है, उसके बाद हमने देख लिया कि फॉर्मूले से कैसे होता है, फिर जो स्पीड होता है वो एवरेज होता है, एवरेज क्यों होता है, कैसे निकालेंगे, और इसके बाद से हमने जो है यूनिट देख लिया। अब एक चीज रह गया कि कन्वर्टर आखिर होता क्या है। जैसे कन्वर्टर ने बताया कि अब जैसे मान लो यहाँ पे मीटर में दिया है और यहाँ पे सेकंड में दिया है, अगर यही किलोमीटर में होता और यहाँ पे सेकंड में होता तो कैसे कन्वर्ट करते। तब इसको कन्वर्ट करने का जो है सबसे बढ़िया सा तरीका क्या होता है कि अब जैसे मान लो कोई चीज जो है वो किलोमीटर में दिया है, अगर किलोमीटर में दिया है तो इसको कैसे कन्वर्ट करोगे। तो अब किलोमीटर पर आवर में दिया है तो आपको सीधा सीधा देखने को मिल रहा है कि जो किलोमीटर पर आवर है वो क्या है कि किलोमीटर पर आवर, यानी कि जो किलोमीटर है एक किलोमीटर में जो कितना होता है मीटर, तो होता है 1000, और आवर कितना होता है तो 60। अब देखो एक आवर में 60 मिनट होते हैं, हमें सेकेंड में करना है, यानी कि क्या होगा एक और 60, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमें कैलकुलेट करने का सबसे आसान तरीका, यानी कि 2 जीरो से जो है 2 जीरो कट जाएगा। अब यहां पे देखोगे तो क्या हो जाएगा, वो आ जाएगा ऊपर 10 और नीचे आ जाएगा 36, यानी कि ये कितना होगा 5/18। यानी कि जहां भी अगर कोई भी चीज जो है वो आपको किलोमीटर पर आवर में दिया रहेगा, तो उस चीज को अगर आप 5/18 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा, वो आ जाएगा मीटर पर सेकेंड में। यानी कि मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 5/18 से जो है वो मल्टीप्लाई कर देना कोई भी चीज। यानी कि मान लो आप जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 36 जो है वो किलोमीटर पर आवर दिया है, अगर 36 किलोमीटर पर आवर दिया है तो इसको सीधा से क्या करना है कि यहाँ पे 36 में 5/18 जो है वो मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा मीटर पर सेकेंड में। अगर यही चीजें मीटर पर सेकेंड में दिया रहे और किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए क्या करोगे, उसके लिए वो इसका उल्टा करना है, यानी कि उस चीज को जो 5/18 कर रहे थे उसको 18/5 से मल्टीप्लाई कर देना है।
तो इससे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहां पे हमने जो है वो सारी चीजें जो स्पीड से रिलेटेड है वो देख लिया है, और इसके अलावा आगे के जो होगा उसमें हम लोग क्या देखेंगे, अब आगे वेलोसिटी जो है वो लोग शुरू करते हैं, और वेलोसिटी जो हम देखेंगे और उसके बाद से कुछ जो क्वेश्चन है उसको हम लोग करेंगे। और सारे क्वेश्चन जो है जिस तरह से मैं करा रहा हूं, अगर अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाले वीडियो का अपडेट आप बिल्कुल भी मिस ना करो। और सारी चीजें जो हम लोग एक एक करके जो है वो पूरे सीरियल वाइज जो है पढ़ते चलेंगे, कोई भी चीजें जो हो छोड़ेंगे नहीं, चाहे छोटा सा टॉपिक हो या बड़ा सा टॉपिक हो, और एक एक चीजें जब तक समझ नहीं आएगा तब तक जो है वो आपको सारी चीजें समझाया जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।